हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे अपने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा का जो वॉच टाइम होता है, जो कि आपके लिए नेसेसरी होता है आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं बताऊंगा कि आप कैसे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे के वॉच टाइम को 15 दिनों के अंदर में कंप्लीट कर सकते हो। और दोस्तों, मैं बता दूं, इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूं कि आपको एक नए यूट्यूबर हो तो आपको किस तरह का वीडियोस अपलोड करना चाहिए, कैसा टाइटल लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा डिटेल इस वीडियो पर मैं बताऊंगा। इसलिए मैंने नोट भी करके रखा हुआ है बहुत कुछ चीज़ें जो कि न्यू यूट्यूबर्स को कन्फ्यूजन होता है या फिर वो गलती करते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और अगर आप अपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप लोग 15 दिनों के अंदर में जो है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहला चीज़ दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहला चीज़ आता है कि हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों, यूट्यूब पे ग्रोथ करने के लिए, मतलब कि सक्सेस करने के लिए, आप लोगों को दो चीज़ों की ही जरूरत पड़ती है, एक हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी। हार्ड वर्क का मतलब होता है आप कितना वीडियोस अपलोड कर रहे हो, कितने मेहनत से वीडियोस को बना रहे हो, कैसा एडिटिंग कर रहे हो, और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि आप किस तरह के वीडियोस अपलोड कर रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, हार्ड वर्क भी यहां पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका यूट्यूब चैनल न्यू है, ठीक है, आपका सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आपको वो देखना नहीं है, आपको कंसिस्टेंसली जो है लगातार जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता है अगर आप पर डे 5 वीडियो अपलोड कर पाओगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आपके व्यूज़ आने का, सब्सक्राइबर्स बनने का। क्योंकि दोस्तों, आप ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते हो तो आपका ज़्यादा ऑप्शन बनता है कि आपके कोई ना कोई एक वीडियो चलेगा, आपका वीडियो में व्यूज़ आएगा। तो इसीलिए आप जो न्यू यूट्यूबर है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करने का। पर डे अगर 5-5 कर पाओ तो और ज़्यादा। तो अगर आप पर डे 5-5 वीडियो अपलोड करते हो तो 15 दिन में आपका जो है 75 वीडियोज़ अपलोड हो जाते हैं। और जो कि एक पुराना यूट्यूबर होता है, जैसे कि मुझे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरा मंथ में होता है 30 वीडियो, लेकिन आप 75 वीडियो अपलोड कर दोगे सिर्फ 15 दिन में, तो आपका ज़्यादा चांसेस हो जाती है कि कोई ना कोई वीडियो आपका चल जाए या फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए और सब्सक्राइबर्स बने। अब दोस्तों बात आती है, अब न्यू यूट्यूबर एक जो है गलती करते हैं या फिर उन्हें नहीं पता होता है कि यूट्यूब पे जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो का आप टाइटल कैसा लगाओगे, डिस्क्रिप्शन कैसा लगाओगे, देन टैग कैसा लगाओगे। दोस्तों, आपका वीडियो का टाइटल जिस तरह का रहता है, सेम टू सेम आपको डिस्क्रिप्शन में जितना टाइटल में आपका जो जो वर्ड रहता है वो वर्ड आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक योर क्वारीज करके आप इस वीडियो का नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कीजिए, मैंने जो कि टाइटल लिखा हुआ है उसी चीज़ को योर क्वारीज करके मेरा डिस्क्रिप्शन में 4-5 बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब ये होता है कि आपका टाइटल में जो भी वर्ड होता है, लाइक मान लीजिए आपका टाइटल में वर्ड है अगर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स, तो आपका डिस्क्रिप्शन में भी बार बार अगर वो रिपीट होता है, व्यूज़ सब्सक्राइबर्स वाला वर्ड अगर बार बार रिपीट होता है, तो आपका चांसेस बनता है कि आपका टैग जो है वो रैंक कर जाएगा। अब टैग तो आप लोगों को पता होगा कि टाइटल जिस तरह का है उसी तरह का आपको टैग लगाना होता है घुमा फिरा करके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी बार बार वो वर्ड आना चाहिए जिससे कि आपका टैग रैंक करता है। तो आप योर क्वारीज करके आपको जो है जो कि टाइटल में जो वर्ड रहेंगे वो बार बार वो वर्ड आपका नीचे में आना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर होता है आपके टैग्स को रैंक करवाने के लिए। ये काम करना है आपको डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कोई कोई का वीडियो मैंने बहुत सारा चैनल भी चेक किया है कि वो लोग डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, सिंपल तरीके से सीधा सीधी छोटा सा लिख करके और वीडियो को पब्लिश कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मतलब रखता है, फैक्टर रखता है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा अच्छे से लिख लेना। अब दोस्तों बात आती है कि थंबनेल कैसा बनाएं। अब दोस्तों मैं बता दूंगा, थंबनेल पे एक ही चीज़ आप लोगों को थॉट रखना है, एक चीज़ मैं बताऊंगा जो कि रामबाण उपाय कहते हैं थंबनेल का। थंबनेल आपको ऐसा होना चाहिए, जो कि थंबनेल में आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका जितना से ज़्यादा कम वर्ड रहे, आपको ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है थंबनेल का। मतलब कि थंबनेल में दोस्तों, आप जैसे कोई वीडियो बना रहे हो, ठीक है, अब आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आप लोग सोचते हो कि थंबनेल में हमको डिटेल बताना होता है कि थंबनेल में कि इस वीडियो पे मैं क्या बताने वाला हूँ। मतलब आप अगर बताओगे कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कैसे बनाएं, या फिर मान लीजिए कि पबजी पीसी में कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो आप लोग क्या करोगे, थंबनेल में लिख देंगे हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा पबजी कैसे डाउनलोड करें। इतना बड़ा अगर लिख दोगे तो आपका तो थंबनेल बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाएगा। आपको कुछ नहीं लिखना है, मैंने देखे पबजी कैसे डाउनलोड करें पीसी पे, तो मैंने क्या लिखा था, पबजी ऑन पीसी, बस 3 वर्ड। मतलब थंबनेल का ये होता है दोस्तों कि जितना से जितना कम वर्ड रहे और उसी कम वर्ड में जो है पब्लिक को समझ में भी आ जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो वीडियो पे, बस ये चीज़ होता है। अब आप लोग थॉट लगा लेना, दिमाग लगा लेना, सोचना
थोड़ा कि थंबनेल पे मैं कितना कम से कम वर्ड लगाऊं और कैसा वर्ड लगाऊं कि पब्लिक को समझ भी आ जाए कि इस वीडियो पे मैं क्या बताने वाला हूं। ये होता है थंबनेल का फैक्ट। अब दोस्तों बात आती है कि किस तरह के वीडियोज स्टार्टिंग में बनाना चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। स्टार्टिंग के दिनों में आपको किस तरह के वीडियोज बनाना चाहिए। आप लोग बहुत सारे वीडियोज में मेरा कमेंट भी किए हैं कि सर स्टार्टिंग पे वीडियोज पे कैसा वीडियो बनाना चाहिए, मनोज भाई स्टार्टिंग की वीडियोज पे कैसा वीडियो हम लोग को बनाना चाहिए स्टार्टिंग के चैनल पे। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग के दिनों में जब आपका यूट्यूब चैनल न्यू है तब आपको किस तरह का वीडियोस बनाना चाहिए, तो दोस्तों उस टाइम आपको बनाना चाहिए सर्चेबल टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक, ये दो चीज पे वीडियोस बनाना चाहिए। आप दोस्तों जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वही सर्चेबल टॉपिक होता है, मतलब क्या है कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है और जो ट्रेंड में चल रहा है वही ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में जो है यूट्यूब पे सर्च भी होता है। मान लीजिए कि दोस्तों मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सागर गोस्वामी जो टिकटॉक में जिस टाइम वायरल हुआ था उसका एक वीडियो, तो मैंने बनाया था सागर गोस्वामी का वीडियो जो है उसका टिकटॉक आईडी हैक हो गया। तो दोस्तों वो वीडियो मेरा 1 लाख के ऊपर व्यूज है, 1,11,000 की 12,000 व्यूज चला गया 1 महीने के अंदर में। तो दोस्तों ये कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों उस टाइम उसका वीडियो वो वायरल हुआ था और वो सागर गोस्वामी बोल करके यूट्यूब पे बहुत ज्यादा उस टाइम सर्च हो रहा था और सर्च हो रहा था तो मेरा वीडियो भी सर्च रैंक में चला गया और सर्च लिस्ट जाने के कारण से उस वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज आ गए। तो दोस्तों मतलब होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक जो होता है वही सर्चेबल टॉपिक भी होता है, मतलब जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वही ज्यादा से ज्यादा सर्च भी होता है। तो अब आप लोग को ये मतलब कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना होगा कि यार अभी ट्रेंडिंग में चल क्या रहा है, आदमी देखना क्या चाहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई कि पबजी को लाइव स्ट्रीम कैसे करें अपने फ़ोन से, तो वो वीडियो में भी 3 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गया वीडियो में व्यूज़ 1 महीने में। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों अभी पबजी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और पबजी को लाइव स्ट्रीम, जैसे कि मैंने बताया था एक दिन कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि गेमिंग चैनल अभी बेस्ट है, आप लोग गेमिंग चैनल बुलाइए आप लोग का चैनल ग्रो हो जाएगा। तो अब मैंने बना दी कि गेमिंग अब मैंने बता दिया कि पबजी को लाइव स्ट्रीम कैसे करें, क्योंकि मैंने ही बताया था कि गेमिंग चैनल खोलिए और फिर मैंने ही बताया कि पबजी को लाइव स्ट्रीम कैसे करते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ गए। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा यहाँ पर हवा चल रहा है, मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ तो नॉइज़ आ सकती है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर और सर्चेबल टॉपिक के ऊपर। और एक टॉपिक होता है वो मैं बता रहा हूँ, अब तीसरा आ जाता है क्लिक बेट। अब ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है स्टार्टिंग के दिनों में व्यूज़ लाने का। अब किस तरह का क्लिक बेट करना है वो भी बताता हूँ। ऐसा क्लिक बेट करना है कि पब्लिक को बुरा भी ना लगे और पब्लिक आपके वीडियो को लाइक भी करे, अच्छा कमेंट्स भी करे। अब देखिएगा दोस्तों कि मैंने मान लीजिए एक थंबनेल पे लिख दिया कि मेरा 25 लाख का लॉटरी लग गया। अब बहुत सारे लोग उसको ओपन करके देखेंगे कि भाई का मनोज भाई का 25 लाख का लग गया, बट मैं उस वीडियो पे बताऊंगा कि दोस्तों 25 लाख का लॉटरी जो है मेरे एक मोबाइल पे मैसेज आया था या फिर मेरे फोन पे कॉल आया था और एक बंदा कह रहा था कि सर आपका 25 लाख का लॉटरी लग गया है, आपको 10,000 सबसे पहले इस अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि दोस्तों ऐसे फर्जी कॉल से बच के रहे, तो आप लोग जो है उस वीडियो को बहुत ज्यादा व्यूज भी आ जाएंगे, लाइक भी करोगे, आप लोग वीडियो पे कमेंट भी करोगे जी हां बिल्कुल सही बताया आप लोग, जो है आप जो है पब्लिक को अवेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा वीडियो था। तो ये होता है क्लिकबेट। अब क्लिकबेट भी ऐसा करना है कि पब्लिक को बुरा भी ना लगे और अच्छा कमेंट्स भी करे और आपके वीडियो को लाइक भी करे, ऐसा क्लिकबेट करना है। अब आप लोग दिमाग यहीं तो लगाना होता है ना कि किस तरह का वीडियो बनाना होगा, किस तरह का क्लिकबेट करना होगा। अब वो लोग थोड़ा आप लोग को ये थॉट लगाना होगा, मैं तो क्लियरली नहीं बता सकता कि कैसा क्लिकबेट करना चाहिए, अगर मुझे ये पता रहता तो मैं ही ये वीडियो बना दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। तो वो आप लोग दिमाग लगाना है कि किस तरह का क्लिकबेट करना है। अब क्लिकबेट ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक को बुरा ना लगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे 1,000 कंप्लीट करोगे। तो दोस्तों यही कुछ बातें मैंने जो है यहाँ पे लिख के रखी थी। तो सबसे प्लस पॉइंट मैंने बताया स्टार्टिंग के दिनों में आपको वीडियोस बनाना चाहिए ट्रेंडिंग टॉपिक पे, सर्चेबल टॉपिक पे, देन और क्लिकबेट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है और थंबनेल को साफ सुथरा बनाना है, देन आपको जो है इतना कुछ काम करना है और मैक्सिमम अपलोड करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो अपलोड कर पाओगे उतना ज़्यादा आपका चैनल जो है ग्रो करेगा। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी, इस सब को फॉलो कीजिए, आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो होगा और 15 दिन क्या हो सकता है 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं होता, आपके वीडियोस के ऊपर ही डिपेंड करता है आप किस तरह का वीडियो बना रहे हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।